गुड आफ्टरनून, क्या व्यू रखे अब? ये तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी के रेट थे, अब 16,600 के पास लग रहा था, अब आप खैर आप 17,000 की भी बात कर चुके हैं, अब नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्ट करें? अब 17,000 पहली छलांग होगी, 17,100, 17,200 आप तो खैर ऊपर के बुलिश लेवल्स भी दे चुके हैं हमें, लेकिन इमीडिएट लेवल ऊपर का क्या? लुक एट द मोमेंटम, लुक एट द अंडरलाइंग, फॉरगेट अबाउट द एक्सपायरी, वो तो हर हफ्ते होती है, वो तो कॉल पुट आपके, यू नो दैट इज मोर ऑन द ऑप्शन ट्रेड, बट द अंडरलाइंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और ग्लोबली आप देख रहे हो, क्रूड का फॉल शुड नॉट बी टेकन लाइटली. सेकेंडली, सऊदी अरेबिया इज रेडी टू पुट मोर मनी देयर, एंड वी आर सीइंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे वो बाकी इंडिकेटर्स हो. वेरी गुड रैली, 17,000 इज कमिंग वेरी मच ऑन द कार्ड बाय नेक्स्ट वीक, एंड देन वील टेक इट फ्रॉम देयर. अपडेट दे दूं, इंफोसिस, अडानी एंटरप्राइज, विप्रो और सेल सारे आउट परफॉर्मर हैं. अब आपके लिए 3 बाय कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं. संजीव जी, बिल्कुल मानना पड़ेगा, सेल चाहे बीच में नेगेटिव भी हो गया था, लेकिन आपके आने से पहले फिर ग्रीन में आ ही जाता है. बिल्कुल बताएं. फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, और नॉर्थ अमेरिका में जो ट्रक सेल्स हैं, और लोकली इंडिया में भी बिकॉज ऑफ डिफेंस एंड अदर्स, द बिजनेस इज दे आर सीइंग द बेस्ट बिजनेस एवर, एंड द स्टॉक ट्रेड्स एट जस्ट 5 times 1 year फॉरवर्ड. तो 675 रुपए में भारत फोर्ज लीजिए, 654 रुपए का स्टॉप लॉस, 750 रुपए का टारगेट. दूसरा पिक गोदरेज कंज्यूमर, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, फॉल इन क्रूड एंड लॉस ऑफ 745, टारगेट ऑफ 825 to 830. एंड थर्ड हिंडाल्को, दिस इज द बेस्ट प्ले ऑन व्हाट नोवेलस इज डूइंग इन कनाडा, एंड आई थिंक नोवेलस का जो अंडरलाइंग एसेट है दैट इज गोइंग टू ऐड टू द बॉटम लाइन, प्लस दे आर सीइंग वेरी वेरी रोबस्ट बिजनेस एज फार एज टीसीआरसी, 396, 440 का टारगेट.